तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर देखोगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब समय जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वेरी विद टाइम टी, एक्सलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे वेरी कर रहा है। एक्सलेशन ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। अब देखो यार, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पार्टिकल का हमें, मैं आपको पढ़ाया हूँ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है और वेलोसिटी एक्सलेशन निकालना है, तो मैं डिफरेंशिएशन यूज करता हूँ, डेरिवेटिव यूज करता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे उल्टा जाना है तो मैं इंटीग्रेशन यूज करता हूँ। तो अगर एक्सलेशन दिया हुआ और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली मुझे दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर तुम देखोगे सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तो वेलोसिटी बी होता है एक्सलेशन डी ओवर, अगर मैं यहाँ से सबसे पहले मैं एक्सलेशन का डिफिनेशन लिखूँ, तो मुझे एक्सलेशन जो है वो मुझे दिखेगा, हाँ, एक्सलेशन ए इज इक्वल टू होता है डी वी ओवर डी टी, और यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू है माइनस स्मॉल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी यहाँ से। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डी वी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ से इधर रहा डी टी। अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा, तो इधर मुझे मिलेगा, जब समय जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी ये पूरी जीरो थी, और टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी बी हुआ, तो इधर रहा बी, और माइनस इधर ए ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ए ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और यहाँ से तुम देखोगे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है ना। आप आई होप कि आप पढ़े होगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन थीटा इज डी थीटा, जो होता है वो होता है माइनस कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाई एन, ठीक है ना, ये आप पढ़े होंगे। तो ये वाली ए ओमेगा एक ओमेगा को कम कर देगा और माइनस ने माइनस को ख़त्म कर देगा, तो जो वेलोसिटी बचेगी वो वेलोसिटी दिखेगी मुझे ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया, और ये जो इक्वेशन क्या था, एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए यार, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको मैं एक बार वेलोसिटी को और लिखता हूँ, मैं वेलोसिटी को लिखता हूँ डी एक्स ओवर डी टी, और ये डी एक्स ओवर डी टी ए ओमेगा यहाँ से कॉस ओमेगा टी यहाँ आया, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से आ गया डी टी। तो अगर मैं यहाँ प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूँगा, जब समय ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जब समय टी हुआ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक्स हुआ, तो इधर मिलेगा एक्स, इधर मिलेगा ए ओमेगा बाहर आ गया जो कि कॉन्स्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, और मैं ओमेगा से डिवाइड भी करूँगा, ठीक ना, और लिमिट जीरो से टी रखूँगा तो इधर जीरो आ जाएगा। तो एक ओमेगा से यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ए साइन ओमेगा टी इसका फाइनल सोल्यूशन है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।